सुबह सुबह किसका फोन आ जाता है? हेलो, कौन बाबा? लेकिन तू तो पहले आने वाला था ना बेटा, इतना लेट कैसे हो गया? बाबूजी, दरअसल वो लाल, कोई गलत काम किया है तूने? नहीं नहीं बाबूजी, हमें तो कोई मिल गया है। क्या? क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे सुन तो लीजिए, कौन मिला है हमें? एक बहुत बड़े गुरुजी मिल गए और बहुत जल्द आप लोगों को उनके दर्शन भी होंगे। ना पब्लिसिटी मिली, ना पेपर में फोटो छपा, ऊपर से जो फिल्म मेरे हाथ में था वो भी चला गया। पिलवा कांडी, उदास होने की जरूरत नहीं है। हमारे बाबा हमारे गुरु कहते हैं, एक दरवाजा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुलते हैं। बहुत जल्द हम आपको उनसे मिलवाएंगे। मोबाइल बाबा, ये आप वही मोबाइल बाबा है ना जो हमसे हिल स्टेशन पे मिले थे और आपने चमत्कार किया था और हवा से चांदी का सिक्का निकाल कर हमारे हाथ में रख दिया था? जय हो मोबाइल बाबा की, जय हो। बाबा आप कब आ रहे हैं हमारे घर? क्या आप शीघ्र ही पधारने वाले हैं? आ जाइए बाबा, हमें बस आपका इंतजार है। जय मोबाइल बाबा, जय मोबाइल बाबा, जय मोबाइल बाबा। अनु चल निकाल। बैलेंस नहीं है। अबे अगर हमारे फोन में बैलेंस होता तो हम लालजी भाई के फोन से फोन करने आते क्या? इसमें से नंबर निकाल। हाँ सॉरी सॉरी। और इससे पहले कि हमें कोई देखे, हम चुपचाप 8-10 म्यूजिक कंपनियों में फोन करके फोन पे स्ट्रगल कर लेते हैं। आने जाने का खर्चा बचेगा और उन पैसों से हम फिर चाय बिस्कुट खाएंगे। कमाल है यार तेरा दिमाग, कैसे सोच लेता है ये सब? हो गया तेरा? हाँ। अब नंबर बता। हेलो, हाँ टीसी कंपनी, हम कौन बोल रहे हैं? हम मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक बोल रहे हैं। हाँ क्या हुआ? बहुत तारीफ कर रहे, तू भी सुन। इससे तारीफ नहीं गालियां कहते हैं। तेरे साथ उन्होंने ऐसा किया? मेरी तारीफ कर रहे थे। खैर अब तू फोन लगा, मैं नंबर बताता हूं। हाँ, बता। 5809100। हाँ यही नंबर है। हाँ खाखरा भाई आप? हाँ मुकुटधारी मलिक मैं। वो अब हम तो लाल जी का फोन चेक कर रहे थे कि लाइन ठीक है क्या। अभी लाल भाई को बताता हूँ। चोर, अरे लाल भाई, क्या लाल भाई, लाल भाई, लाल भाई क्यों बुला रहे हो आप? लाल भाई, हो, जीवन में इतनी अशांति क्यों है? क्यों शोर मच रहा है? क्या लेकर आए हो जो लेकर जाओगे? ये नंबर लेके आए थे, फोन करके जाएंगे। नहीं नहीं लालजी भाई, ऐसा नहीं है, हम तो बस चेक कर रहे थे कि लाइन बराबर चालू है या नहीं। ए झूठ बोल रहा है, झूठाड़ा। लाल भाई ये लोग चोरी छिपी आपका फोन यूज कर रहे थे। हाँ 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 हम समझ गए खाखरा भाई। एक सेकेंड, फोन करना है तुम दोनों को? वो बैलेंस खत्म हो गया था। हाँ, तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? हमारा मोबाइल रखो और जिसे चाहो उसे फोन करो। ये लो लाल जी, और शर्मिंदा मत कीजिए अब। अरे हम शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं, इस मोबाइल पे तो मोबाइल बाबा की कृपा है। जो भी तुम्हारा बिगड़ा काम है वो भी बन जाएगा। जिसे फोन लगाना है लगा लो, वो उठाएगा। हाँ ये लो। ऐसी बात है तो दीजिए। लेकिन अनु फोन किसको लगाएं? जब काम बन नहीं है तो हॉलीवुड ट्राई कर। Yeah man, why not? We are coming soon. लाल भाई अपना फोन दे दिया। क्या लेकर आए थे जो लेकर जाएंगे? सारा बैलेंस खत्म कर देंगे। खाखरा भाई, जो आया है उसे तो खत्म होना ही है ना। और चीजों का क्या है, वो तो आती जाती रहेंगी। जिंदगी को बैलेंस करना ही तो जरूरी है। आपको क्या चाहिए? लाल भाई थोड़ी सब्जियां चाहिए थी। थोड़ी क्यों, आप ज्यादा लीजिए। और कच्ची चाहिए या पकी? नहीं नहीं पका मैं लूंगा, कच्ची चाहिए। कितनी चाहिए? एक मिनट, ये लिस्ट है,
वो गलती से आधा आधा किलो कम लिखिए, आप बढ़ा के दे देना। बिल्कुल बढ़ा कर दे देंगे। अब तो बस मोबाइल बाबा की कृपा हो गई है। क्या लेकर आए थे जो लेकर जाएंगे? मैं तो खाली थैली लेके आया था, भरी हुई लेके जाऊंगा। हेलो, या मिस्टर संजय स्पीलबर्ग। या वी आर म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू मलिक। हाँ सर, आपका रिक्वायरमेंट चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए था। हाँ ऑफिस आ जाए। हाँ सर, हाँ सर, आई आई कैप्टन विल बी देयर, थैंक यू। अनु मेरे भाई, इस फोन पर तो सच में बाबा का आशीर्वाद है। संजय भाई ने हमें मीटिंग के लिए ऑफिस में बुलाया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? अबे हाँ। खाखरा भाई, ये रही आपकी सब्जियां और ये रही आपकी लिस्ट, चेक कर लीजिएगा। आपने सब आधा आधा किलो बढ़ा के दिया है ना? बिल्कुल बढ़ा के दिया है। लाल भाई, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये तो सब मोबाइल बाबा की कृपा है, बस ऐसे ही रहना। एकदम सही कहा लालजी भाई आपने। आपके मोबाइल फोन से हमने हॉलीवुड के डायरेक्टर संजय स्पीलबर्ग को फोन लगाया और पता है क्या हुआ? उन्होंने हमें मीटिंग के लिए बुलाया है। हॉलीवुड? नहीं नहीं, धारावी मुंबई। चलो जहां भी बुलाया, देखा तुम दोनों ने, ये है मोबाइल बाबा की कृपा। आप एक बार हमारे भी दर्शन करवा दीजिए ना। हाँ हाँ, अवश्य करवा देंगे, वो बहुत शीघ्र ही यहाँ पधारने वाले हैं। ओ मैन, अनु फिर तो मैं बाबा के लिए एक बढ़िया सा रैप स्टाइल भजन तैयार करना चाहिए। हाँ यार, चल। या ऑल द बाबा इन द हाउस एंड द बाबा। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? बिना सुर के आए थे, फिर भी गाना गाएंगे। थैंक यू। तो मैंने तो अपने खाकरू को कह दिया जिगना बे कि बस अब बहुत हो गया, अब कोई कंजूसी नहीं करने की, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। अरे सोसाइटी वाले हमें देख के मुंह फेर के चले जाते हैं। बोलो, आपको पता है मेरे खाकरू ने आज मुझे प्रॉमिस किया है, अपने पैसों से सब्जियां खरीद के लाने वाले हैं। अरे सोची हसन से आते ही होंगे। बोल अरे बाप रे, इतनी सारी सब्जियां इतनी जल्दी लेकर आ गए। अरे तूने थैला छोटा दिया था, वरना मैं तो पूरे महीने की सब्जी लाने के चक्कर में था। सुना सुना, क्या बात कर रहे हो, इतनी सस्ती सब्जियां मिल रही थी क्या? नहीं नहीं, सस्ती नहीं, नीचे फ्री में मिल रही थी, लाल भाई ने दी। अब फिर से लाल भाई से मांग के लेकर आए? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे खंडवी, पूरी बात तो सुन, मैंने मांगी नहीं है, लाल भाई ने सामने से दी, बोले मोबाइल बाबा की कृपा है। अब तू ही बता, कोई बाबा की कृपा ठुकराना अच्छा लगेगा? इसलिए प्रसाद समझ के ले लिया। मोबाइल बाबा की कृपा? हाँ। ये मोबाइल बाबा कौन है? वो तो लाल भाई जाने, उन्होंने तो बोला क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। जरूर आपने बोला होगा, थैला लेकर आया हूँ, सब्जियां लेकर जाऊंगा। लुच्चे, क्या अंडरस्टैंडिंग है, जा दूधी काट। हेलो हेलो, प्रणाम मोबाइल बाबा, हम कब से आपकी राह में पलके बिछाए बैठे हैं, अब तो आंखें भी थक गई, अब तो हम चाहते हैं कि आप इस घर में आके हमारा उद्धार कर दीजिए। क्या उद्धार? नहीं बाबा, उद्धार उद्धार कर दीजिए, बस आ जाइए बाबा, हमसे और इंतजार नहीं हो रहा। जय मोबाइल बाबा, जय 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 जय। गांव से आपके कोई बाबा आ रहे हैं? अरे नहीं नहीं श्रीमती जी, गांव से बाबा नहीं, मोबाइल बाबा आ रहे हैं। मोबाइल बाबा? हाँ, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, मोबाइल का नंबर देख के ही सबका भाग्य बता देते हैं और बदल भी देते हैं, इसलिए तो हमने उन्हें यहाँ बुला लिया है ताकि हम सबका कल्याण हो सके। आप बस उनके आने की तैयारी कीजिए। क्या हो गया है आपको? क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसे, क्या बाबाओं के चक्कर में कहां से पड़ गए आप? क्यों बोल रहे हैं आप? अरे आप इसलिए ऐसा बोल रही है क्योंकि आपको बाबा की महिमा का पता नहीं है। ना मुझे बाबा की महिमा के बारे में जानना है ना माधुरी के बारे में, हद हो गई अब तो। अरे सुनिए, इतनी भोली है, क्या लेकर आई है, क्या लेके जाएंगी,
पर ये तो चाय लेके चली गई। अरे सुनिए श्रीमती जी, चाय। इस घर के मालिक होने के नाते हमने आज तक तुमसे कभी कोई काम नहीं कहा है, लेकिन आज हम चाहते हैं कि तुम इस घर को ऐसा साफ करो, ऐसा साफ करो किसमें हमारा चेहरा साफ साफ दिखाई दे। अयला साहेब, घर का आईना टूट गया क्या? नहीं तो फिर अपना थोबड़ा काई को फर्श में देखने का है। नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं कि बस तुम इस घर को चमाचम कर दो। अब सॉरी साहेब, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपने थोबड़े से ज्यादा कोई भी चीज चमकाऊं, वरना नजर लग जाएगी। बहुत भोली हो तुम। अब इस घर को किसी की नजर नहीं लगेगी, क्योंकि इस घर में अब मोबाइल बाबा के कदम पड़ने वाले हैं। जय मोबाइल बाबा, जय मोबाइल बाबा। मोबाइल बाबा है? बाबा से आज तक कोई नहीं छिप पाया है। हम जानते हैं कि तू अंदर ही छिपा बैठा है, बच्चा पिल्लू। आपको कैसे मालूम? बाबा अंतर्यामी है, और तू चाहे कब्र में जितना भी छुप ले, तेरे दो दांत हमेशा बाहर झांकते रहते हैं। बाहर निकल, वरना हम तुम्हें इस कबर में हमेशा के लिए लॉक कर देंगे। नहीं 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 बाबा, नहीं बाबा, आप कौन हैं और क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? तो हमें नहीं जानता नादान बालक, लेकिन ये बाबा तुझे जानते हैं। बाबा तो ये भी जानते हैं कि तू शादीशुदा है। आपको कैसे मालूम हुआ? बाबा को तो ये भी मालूम है कि तू इस घर में छिप के रहता है। बाबा आप तो अंतर्यामी हैं। और अब इस राज को बाहर निकालने का समय आ गया। बाबा मैं कुछ समझा नहीं। मतलब इस घर के मालिक लाल को यह बताने का समय आ गया है कि तू इस घर में बिना किराया दिए हुए रहता है। मैं अभी जाता हूं। नहीं 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 बाबा, ऐसा मत करना, मैं आपके पैर छू रहा हूँ। अच्छा सजू। हाँ बाबा, हाँ बाबा। एक मिनट। हेलो, यस सुपरस्टार पिल्लवा कैंटीन है। रंग नंबर। बाबा आप तो पिल्लवा की भी आवाज निकाल रहे हैं। यू पिल्लो, मैं यू पिल्लो के नहीं, तुम्हारा बेबी। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। पिल्लो ये लेकिन कोस में पोड़ ने बेबी तुम। अरे बेबी तुमने तो मुझे सच में डरा दिया। सच कहूं मुझे लगा सच में कोई ज्ञानी बाबा आ गए। लेकिन बेबी तुम इस गेटअप में? ओ पिल्लू, मेरे को एक फिल्म में बाबा के रोल के ऑडिशन के लिए जाना है, इसलिए। बेबी फिर तो तुम पक्का सिलेक्ट हो जाओगी। सच कहूं तुम बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हो। सच्ची मुच्ची। बस 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 रुक जाओ। क्या हुआ बाबा? मोबाइल आया है। नहीं नहीं मोबाइल बाबा आया। मेरा फोन आया है। शिशा। हेलो। हाँ मोबाइल बाबा ही बोल रहा हूँ। मुझे सब पता है, सब मालूम है। हाँ एक काम करो, आज ही 200 रुपए का बैलेंस डाल दो और मेरे अकाउंट में 20,000 का बैलेंस मोबाइल में बैलेंस आ जाएगा, तो लाइफ बैलेंस हो जाएगा। तो रखो। हाँ तो बोलो मोबाइल बाबा की। अरे नहीं, ट्रिंग ट्रिंग। ट्रिंग ट्रिंग क्या है बाबा? शिष्य ये हमारा कॉलर ट्यून है। बोलो मोबाइल बाबा के। अरे हंस के बोलो। बोलो मोबाइल बाबा के। अरे एक सेकंड एक सेकंड, मोबाइल बाबा है कहाँ? मोबाइल बाबा यहाँ है। बेटा आज तूने मुझे उठा लिया, चल भगवान तुझे उठा लेगा। बाबा गलती हो गई, गलती हो गई बाबा। सुबह बालों में तेल लगाया था इसलिए हाथ फिसल गए। चल तू फिसल जाएगा। खांडवी पगे लाग आशीर्वाद ले बाबा। ट्रिंग 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 ट्रिंग।
ट्रे। ये मोबाइल बाबा है, लग तो सिम कार्ड रहे हैं। ये ऐसे मत बोलो, ये बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं। लेकिन खुद तो 5 फीट भी नहीं पहुंचे। ये क्या बोल रही हैं आप? बाबा 5 फीट तक नहीं पहुंचे, लेकिन इनके चमत्कार से बहुत सारे लोग ऊपर पहुंच गए। अरे मतलब कामयाब हो गए। मैं नहीं मानती साहेब, जब तक मैं ये टू ब्यूटीफुल आईज से नहीं देखेगी मैं नहीं मानने वाली। रे बाबा के शक्ति पे शक। तो सुंदरी देखो आप हमारा चमत्कार। कहाँ कहाँ? यहाँ। कहाँ कहाँ? यहाँ। सुंदरी ये लो सोने की चेन। ये मेरे लिए? बाद में नेकलेस दूंगा, बैंगल्स दूंगा, तुमको सेट कर दूंगा। क्या? मेरा मतलब है बाद में पूरा सेट बनवा के दे दूंगा। एक मिनट, जब तक मैं ना कहूँ इस चेन को किसी को छूने मत देना, तो इसकी शक्ति कम हो जाएगी। समझो सुंदरी, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। सच्ची? मैं आपके लिए मस्त बादाम शेक लेकर आती हूं। मैं भी आपके लिए ढोकला ढोकला हां ढोकला लेकर आती हूं। बाबा जी बैठो। अरे बैठो भक्त जनो। भक्तो मांगो, क्या क्या मांगना है? बाबा आपसे क्या छुपा है, अगर ऐसी ही 8-10 चैने हमें भी दे देते तो जिंदगी में चैन आ जाता। क्या है, कर्जा बहुत बढ़ गया है। देंगे देंगे हाँ देंगे। बाबा बाबा वैसे बाबा बैलेंस बिगड़ता है। सॉरी बाबा, बाबा टिफिन के धंधे में कुछ कमाई नहीं है बाबा, कुछ कीजिए बाबा। बाबा जी मैं कह रहा था कि मेरे को छोटा मोटा सोने का एक मुकुट सा ही बनवा देते। इस कर में ना तनखा के नाम पे बहुत लोगों ने मेरे को टोपियां पहनाई हैं। हाँ दे देंगे, सबको दे देंगे, सही वक्त आने पे सबको कुछ ना कुछ दे देंगे। तब तक मेरा प्रसाद दो। कहाँ है बाबा? आने तो दो। कहाँ है? यहाँ है। बैलेंस बिगड़ता है। बेटा लाल ये सब में बांट दो। बोलो मोबाइल बाबा की। ट्रिंग ट्रिंग। अरे हंस क्या, बोलो बोलो मोबाइल बाबा की। ट्रिंग ट्रिंग। गुड बाय। मेरे